वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, लाहौर न्यूज की सेकेंड एनिवर्सरी है। हम भी जागो लाहौर पे सेलिब्रेशन को जारी रखे हुए हैं। हमारी अगली मेहमान ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो जो हमारी मेहमान है बड़ी जबरदस्त किस्म की सिंगर हैं और रीमिक्स गाने जो हैं इनके बहुत मशहूर हैं। उस्ताद नुसरत अली खान साहब के गाने भी उन्होंने रीमेक किए और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। साथ ही साथ फैशन डिजाइनर भी है, मतलब वर्सेटाइल किस्म की खातून है। वेलकम करते हैं रबिया मन्हास का। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर, दोनों हाथों से बहुत बड़ी फैन। और ये जोजी साहब तो मेरे उस्ताद, आइए जी तशरीफ रखें। नहीं जोजी एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, और गायकी में उस्ताद हैं माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा रबिया, सबसे पहले तो अपने सिंगिंग और डिजाइनिंग के करियर के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं। सिंगिंग तो मैंने अब शुरू की है, डिजाइनिंग तो बहुत सालों से कर रही हूँ। हाँ। तो सिंगिंग तो सडनली वाला एक सीन हुआ, एक्सीडेंटली सिंगर बन गई हूँ। एक्चुअली सामने ही बैठे हुए हैं जोजी अली साहब, बहुत पुरानी दोस्ती इनके साथ, और ये गवाह हैं कि अच्छे सुनने वालों में से मैं हूँ। पहले कान रस होगा तो फिर तान रस होगा ना। क्या बात कर रही है। पहले सुनना अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, और आपका टेस्ट बहुत अच्छा, तभी आप सिंगिंग की तरफ। मैं जोजी जहाँ भी मिलते थे हम लोग, मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया हुआ है, और मेरी स्पेशल एक होती थी कि जोजी आप गाओ, कहीं इन्होंने नहीं भी गाना होता मतलब था, इन्होंने जाना भी होता था तो कहते आप, मैं आपको सुनकर जाऊंगी, आप आपकी एंट्री कब है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। सबसे ज्यादा फोर्स मेरा ही होता था। ऐसा ही है, मैं हूँ। कमाल हो गया, कमाल हो गया। चल जनाब, हमने बहुत सारी बातें कर ली है और इफ्तिखार ठाकुर साहब खामोशी से बैठे हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सुनना अच्छा लग रहा है, नहीं हमने आपको सुनना है, हमें ज्यादा अच्छा और लगना चाहिए। ये म्यूजिक को भी बड़ा अच्छा समझते हैं जी, अभी गाएंगे तो सुनेंगे, फिर हम बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक है, ये काम इनका मतलब डिफरेंट है, मतलब स्टेज करते हैं लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा। लेकिन ये अपने काम के बादशाह हैं। बेशक बादशाह। अच्छा जनाब, अल्लाह की तरफ से होता है। तू जो हमेशा मेरे कोल रहे, ये सुनते हैं हम इसे जनाब रबिया से। तो खा जवानी हथों खा लिया, जो
जगह बना गया, रियोनी मेरा माही मेरे पाग जगह बना गया, फिर लग राजे राजन मैनू हीर बना बना गया, रियोनी मेरा माही मेरे पाग जगह बना गया, रियोनी मेरा माही मेरे पाग जगह बना गया। जबरदस्त जबरदस्त रबिया, टिकट से तीन मजे। हाँ, एक टिकट पे दो नजारे। हाँ देखे, दो नहीं तीन तीन। हाँ जी, बात है, जबरदस्त हो गया जनाब। ऐसे से अब मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलने वाली हूँ, और गेम कुछ यूं है कि मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं। मैं डर गया, मैं सिंगर सेट अपना। नहीं नहीं, तो की गेम खेलने लगे तुसी ऑलरेडी। नहीं, गेम नहीं, ओ वाली गेम नहीं खेलने लगे सी। अच्छा जी, ऐसे गेम खेलने लगे हैं फिर कार्ड नाल। हुन असी पंजाबी च गल करनी है। पंजाबी च गल कर। चलो जी, हुन असी पंजाबी च गल करेंगे। आप तुसी कर लोगे गल? थोड़ी वीक है। थोड़ी वीक है, चलो कोई गल नहीं, ड्रिप लगा। अच्छा जनाब, आप ये गेम कुछ यूं है कि मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं बारी बारी एक गेस्ट को एक कार्ड दूंगी और बाकी दोस्त को नहीं देख पाएंगे, लेकिन गेस करना होगा आपको किस कार्ड में क्या, और आप कुछ हिंट्स दे सकते हैं। आपके पास तीन चांसेस होंगे, ठीक है? आप एक दूसरे को हिंट देकर बताने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा जनाब ये है, लेकिन अब ये पिक्चर देखनी है। तो रब्या ने कहा मैंने पहली पिक्चर देख ली है, तो मैं इसलिए ऐसे नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं रब्या आपसे आगाज करूंगी, और ये लोगों को आपने या कुछ इजी सा देना, ठीक है? आपने गेस करना है। नहीं 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 नहीं, ये आपका कार्ड है, अब आपने ये देख लिया, इसको उल्टा करके रख दें अपने साइड पे। अब आप इनको बताएं, ये दोनों गेस करेंगे। कुछ पॉइंटर्स देने, आपने एग्जैक्टली नहीं बताना। अच्छा, बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स? खामोश रहते हैं। खामोश रहते हैं, सदर पाकिस्तान भी रहे। पहली बात है, बड़ी थी, पता क्या मुझे शेयर करनी चाहिए ना, वो रश खा रहा है, आपको पता है खामोश रहते हैं, सबको पता ही है। अच्छा जी, अब हम दिखाएंगे पिक्चर इफ्तिखार ठाकुर साहब को। जरा अपनी आंखें उधर मुंह करें, कान भी बंद कर लो, ठीक है जी? ये आपकी पिक्चर है। कार्ड तो आपने दिए नहीं। कार्ड नहीं देना ना आपने, बस अब इन दोनों को समझाना है। याद रखिएगा ये बात, आपने मुझे कार्ड नहीं देना। अच्छा। और आपने कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं आऊंगा। नहीं मतलब आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है, कार्ड की अभी तो मेरी शादी का कोई मसला नहीं है ऐसा कि मैं आपको कार्ड नहीं दिया। अच्छा, अब आप कुछ इनको हिंट्स देना कि क्या है, कौन है? गेम खेलते हैं जी, इस वक्त जबरदस्त पूरी दुनिया घूमी है उन्होंने। आपने बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पॉइंटर देना कोई, हाँ थोड़ा थोड़ा बताना है। एक हो गया, दूसरा कोई और। अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है, अभी चल रही है कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन फिर भी टॉप पे गेम जा रही है इनकी, बड़ा नाम है। क्या खेलते हैं ये भी बताते हैं। चलिए क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारा जो कैप्टन अभी खेल रहा है। हमने खुद ही दे दिया जनाब। ये थी पिक्चर सरफराज खान, ये सरफराज का भी धोखा नहीं देता, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब मैं आपको पिक्चर दिखानी है, जनाब अपनी आंखें बंद करें, आंखें नजर आएंगी तो बंद होंगी ना, ठीक है? आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? देख ली, नजर आ गई, हाँ ठीक हो गया। चलिए जनाब, आपने हिंट देने हैं इन दोनों को, बताए। बड़ी अच्छी जनाब, हमारी एक पुरानी मूवी थी, अब वो नए तरीके से आ रही है, और उसका लीड जो है रोल वो कर रहे हैं। मालाजट एक्टर कौन है? मालाजट है ना? नहीं नहीं, पहले आप एक्टर बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ आइडिया? हाँ, फवाद। फवाद खान है जनाब हमारे पास, और उनकी पिक्चर थी मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ, पिक्चर इज वेरी गुड आई विल से। ओके,
मौला जट के लिए मुझे इंडिया से इतने फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि ये कब रिलीज होगी, कैसे देख सकते हैं। इवन हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। फर्स्ट टाइम हमने हमेशा इंडिया की फिल्म का इंतजार किया, इस बार पाकिस्तानी मूवी का इंतजार हो रहा है। दो महीने से मुझे इतने मैसेजेस और फोन आते हैं, ये कब रिलीज होगी, हम कैसे और कहां देख सकते हैं। जबरदस्त है प्रोडक्शन पे, उसका प्रोमो देख कर ही आपका, वैसे ही टीजर है, अभी तो प्रोमो भी नहीं है प्रॉपरली, टीजर है, टीजर है। अच्छा जी हाँ चलें जी, अब बताएंगी रब्बे आपको हिंट दे, हिंट नंबर वन। यार हिंट तो बहुत हैं लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहती। नहीं नहीं, एक आप दे सकती हैं, एक दे आसानी तो आप हाँ, कुछ आप मुझे खून दे अच्छा दोबारा, हाँ दोबारा बोले, आप मुझे खून दें, मेल या फीमेल, मेल। वाह 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 वाह, फौरन पकड़ा भाई, ये देखें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की पिक्चर है, बिल्कुल बिलावल वाली आई। खून मांगो खून दे अच्छा जी खून दे, लेकिन आंखें बंद करें, सहूलत नहीं देंगे। ये देखें जी इफ्तिखार ठाकुर साहब आपके लिए पिक्चर है। अच्छा जी माशा, ठीक है जी चले चले जी। अभी पिछले दिनों इनका इंतकाल हुआ और कितने बच्चे यतीम हो गए? एदी साहब, या तो ये गेम बहुत आसान है या हमारे जो गेस्ट है बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एक मसला है। मतलब ये फॉरन फॉरन गेस कर जा रहे हैं। आखिरी पिक्चर है जनाब, ये मैं जोजी खान से पूछूंगी, आंखें बंद करें आप अपनी, ठीक है चले। मतलब क्या, पाकिस्तान की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो से गेस्ट करने जा रहे हैं, थ्रिल नहीं आया। मतलब हिंट बड़ा मजबूत आता है, है ना, हिंट बड़ा मजबूत है। अगली बार गेम में मैंने कुछ और जरा मुश्किल करना है, पिट्टो गरम खेलना है। अच्छा अभी हम निर्गोरी की बात कर रहे थे, एक और डायलॉग ही सुना दे अपना कोई। ऐंदा खुशी दा मौका है, लाहौर न्यूज़ दी दूसरी साल दी रही है, तो देखो फरमाइश आ गई। हां फरमाइश है, कह के सवेरे 5 बजे इमरान खान साहब दा फोन आया, उस ले मैं सन चकलाला, अच्छा कड्या में डाला, कड्या में डाला नाल बिठाया छोटा साला, वाह तेरा चाहे गंदा नाला, ओनू बस ओदे में छटया अपना साला ते पहुंच गया बनी गल। तुसी साला छोटा हो अगो, मैं के इमरान साहब कल्ले सुन गड़ोन बड़ोन छत दे उते बंदा ना बंदे दी जात, कल्ले चाह पी रहे, मैं के आज ते कल्ले चाह पी रहे, जेब दे विच बिस्कुट कड़े ने, कहंदा बिस्कुट भी है डबो के खादा ने, मन कहंदा मिस्टर नरगोली तू कोई ज़हीन आदमी भी नहीं, बहुत अच्छे लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल करता है कि मैं तेरे नाल शेयर करा कोई गल। मैं क्या सर आर्डर लाओ तुसी लत्तां तोड़ देंगे कौन लोग ने, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, किसी नाल कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम, तो चौकस अफसर कोई तकलीफ नहीं देनी, क्योंकि कोई चौकस अफसर है। फौरन उन्होंने चौकस किया है तो मैं फौरन ते आई नहीं 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 हल्का जा डर गए ने टू गुड टू गुड डर गए फिर क्या होया, अगली कहानी भी दस रहे मैंने कहा मैंने पुत्र मेरी बजट फिर आ रहे, मैं क्या सर बजट की वजह तो लोग परेशान ने, क्यों बार बार बजट कहते नहीं जी गरीबों वास्ते बिल्कुल नहीं, 1800 cc ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ
इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आ मैं इंट्रो है, मैंने पांच बारी मुआइने किया वेखदे हैं मैंने। अच्छा वो आपकी तरफ था? हाँ जी देखते मेरे वाले रहे सर। अच्छा फिर तो पता नहीं मेरे पीछे कौन खुश था, तो पीछे कौन खलोता सी, हो सकता है फहमी हो जाए या खुशफहमी हो जाए, कोई गलत हो सकता। लेकिन मैंने देखा बड़े प्यार में, उस तो बाद मैंने बिलावल साहब वाले इशारा किया, उन्होंने कहा बिलावल साहब ने तुम खास तौर पर बुलाया। मैंने कहा की हालत पंजाब की हालात ने, मैं कहा सर तुसी जीरो, बाकी ना मैं नहीं पता। तुसी डायरेक्ट कहता जे, क्योंकि मैं सच्ची गल करना, क्योंकि मैं पता भी मैं सही गल करा तामें बिस्ती होनी ते मैं गलत गल करा तामें बिस्ती होनी, ते दोनों सुनते हैं तुसी दरमियाना रास्ता, मैं फिर पहली गल ही कर दे। जबरदस्त जनाब, क्या बात है आपकी, मजेदार है आप, बहुत मजेदार है। हमारे सेट की रौनक जनाब यूं ही बरकरार रहने वाली है, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए जागो लाहौर।